कनाडा के कई शहरों पर राज करने वाले खालिस्तानी आजकल सड़कों पर पिट रहे हैं। भारत को गाली देना इन खालिस्तानियों को महंगा पड़ रहा है और आज का ये वीडियो तो बेहद ही शानदार है। आज आप खालिस्तानियों को कनाडा में धक्का खाते देखेंगे। आप इन चवन्नी छाप खालिस्तानियों की हिम्मत तो देखिए कि ये सब हाथों में तलवार लेकर कनाडा में भारतीय हाई कमीशन संजय कुमार वर्मा के ऊपर हमला करने पहुंच गए। लेकिन इस बार कनाडा की पुलिस ने इन खालिस्तानियों को धक्के मार मार कर निकाल दिया। एक खालिस्तानी तो जोर जोर से गालियां दे रहा था, लेकिन अचानक कनाडा की पुलिस ने उसे सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। आपको बता दें कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा के ऊपर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने तलवार से हमला करने की कोशिश की, जिसे कनाडा की पुलिस ने नाकाम कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब वर्मा 11 मार्च को इंडो कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एडमोंटन पहुंचे थे। इस दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने वर्मा के खिलाफ अपमानजनक नारे भी लगाए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि हथियार लेकर आगे बढ़ रहे खालिस्तानी समर्थकों को कनाडाई पुलिस के जवान धक्का देकर पीछे धकेल रहे हैं। वैसे आप भी ये सोच रहे होंगे कि अचानक कनाडा की पुलिस का मन कैसे बदल गया। ये तो वही पुलिस है जिसके प्रोटेक्शन में आज तक खालिस्तानी भारत विरोधी गतिविधियां करते आए हैं। कनाडा की पुलिस के सामने ही खालिस्तानियों ने भारतीय हाई कमीशन पर हमला किया, मंदिरों में तोड़फोड़ की और यहाँ तक कि भारत के खिलाफ जनमत संघर्ष भी किया। लेकिन इस बार कनाडा की पुलिस खालिस्तानियों को धक्के मार रही है, उन्हें थप्पड़ मारकर औकात दिखा रही है। कनाडा की पुलिस खालिस्तान को क्यों थपड़ा रही है, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स को धमकाया जा रहा है, लेकिन वहां की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। कनाडा में आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत बुरा होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान के बाद कनाडा की विपक्षी पार्टियों ने सरकार को जमकर धोना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद एक और धमाका हुआ। भारत के दौरे पर आए न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री ने कनाडा को झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा जो दावा कर रहा है कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया, उसमें कुछ न कुछ तो संदेह जरूर है। कनाडा की बात पर एकदम विश्वास नहीं किया जा सकता। और उसी के बाद कनाडा का हृदय परिवर्तन हो गया और आप देख सकते हैं कि कनाडा में किस तरह से खालिस्तानी पिटने शुरू हो गए हैं और इसकी वजह भी आपने जान ली। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।